हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग का हम वीडियो नंबर 5 लाए हैं, जिसमें हम आपसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे। और लुइस डॉट स्ट्रक्चर का ये वीडियो देख के आपका ये टॉपिक कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप किसी भी आयन का स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है CO3 2-, तो अभी आप सोच रहे हो कैसे बनाएं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाएं, ये कैसे सर ने किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस माइनस लगा दिया। मैं आपसे अभी आपसे कहूँ कि आप सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर SO4 2- का स्ट्रक्चर बनाओ, तो SOO लगाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस माइनस, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, किताब में कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये आज आप सीखोगे मेरे साथ लुइस डॉट स्ट्रक्चर में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया फॉर्मूले हैं, मेथड हैं, कैसे कैसे चार्ज पता चलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आइटम कहाँ रहेगा, ये सब आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे। बीच में एक टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डिस्कस नहीं किए क्योंकि खुद से पढ़ने लायक टॉपिक है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड, दो दो हुआ तो डबल बॉन्ड, तीन तीन तो ट्रिपल बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है ना, जिसमें एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। आज हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? स्ट्रक्चर बनाना, कहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, कहाँ माइनस लगाएं, कैसे स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमें सीखना है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। इस तरह के तमाम वीडियो इंटरनेट पे पड़े हैं, बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी अश्योर्ड, एकदम चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। मेरे वीडियो 8-10 मिनट के रहते नहीं कि मैं एक ट्रिक बता के भाग जाऊं, मैं आपको 30-40 मिनट का फुल लेंथ का वीडियो दूंगा और 15 एग्जांपल कराऊंगा इसके, कम से कम, ठीक है, कम से कम 15 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, लुइस डॉट स्ट्रक्चर कहाँ किस चीज़ पे बेस्ड है ये। बेसिकली लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाओ। किसको दिखाओ? सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ किसको शो करो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करो, सिर्फ ओनली। दूसरा, लुइस डॉट स्ट्रक्चर वर्क करता है ऑक्टेट रूल पे। किस पे वर्क करता है? ऑक्टेट रूल पे, मतलब ये कहता है कि सभी एटम जो स्ट्रक्चर में हैं, सबके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्सेप्शन हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन, क्योंकि सबको पता है हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है, बाकी सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही लुइस की थ्योरी है, लुइस थ्योरी। एक्चुअल में है क्या ये सब बच्चों थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने की अलग अलग थ्योरी आई। आयनिक बॉन्ड तो सिंपल था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, फिर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन शेयर होता कैसे है, इसके लिए सबने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो उसमें सबसे पुरानी थ्योरी लुइस की है। इसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, वीडियो अगला वीडियो बनेगा उस पर भी। फिर आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, किताब में देखा होगा। उसके बाद आई MOT मॉथ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कैसे। आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो पहली थ्योरी है अपनी लुइस थ्योरी, और उसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर। लुइस की थ्योरी यही है, ऑक्टेट रूल। अगर कोई आपसे पूछे कि लुइस की थ्योरी क्या है ना, कॉसल एंड लुइस थ्योरी कहते हैं, तो कोई आपसे पूछे लुइस थ्योरी क्या है, तो लुइस थ्योरी ये कहती है कि एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग इसलिए करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑक्टेट रूल, और वो स्टेबल हो जाएं, जैसे नोबल गैस स्टेबल होती हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। पर डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टेट रूल को हम तोड़ सकते हैं फॉर सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ये लुइस को भी धीमे धीमे स्ट्रक्चर बनाते बनाते समझ में आया, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VSEPR थ्योरी क्यों आई, और क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरी तरह से सही नहीं था। सिडविक कॉन्सेप्ट आया क्यों आया, क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरी तरह से सही नहीं था। तो लुइस भी ये बात समझ गए थे, उन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल को आप निगलेक्ट कर सकते हो, और सेंट्रल एटम स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया था, तो बीच में सी रखा था, जो सबसे बीच में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ दिखाने हैं, कोशिश करेंगे कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह हो जाएं, हाइड्रोजन केस में 2 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल को हम छोड़ सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, पर सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं
कम नहीं, चाहे कॉर्नर के एटम हो चाहे बीच का एटम हो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा हो सकता है। सेंट्रल के पास, कॉर्नर पे तो 8 ही रहेगा, सेंट्रल जो बीच वाला एटम उस पे 8 या 8 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। मतलब सेंट्रल के लिए ऑक्टेट रूल नेगलेक्ट कर सकते हो, पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं, उससे ज्यादा के लिए। चलिए मैं आपको कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, पॉइंट्स को नोट करें अगर आपका पेन पेपर है। अगले 5-6 मिनट कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे और उसी के ऊपर अगले 20-25 मिनट 30 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। नाइट्रेट आयन का बनाएंगे, कार्बोनेट का, सल्फेट का, सल्फाइड का, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, जो तुम कहोगे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो तुम सोचोगे फॉस्फेट आयन सबका स्ट्रक्चर, जो आज तक कंफ्यूज थे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब बनेगा। चलो देखो, तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम चिन 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 चिन। सबसे पहले रूल फॉर सेलेक्टिंग, इन नियम को लिखेंगे आप भी मेरे साथ। सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे CA, ठीक है, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंट्रल एटम। तो भाई सेंट्रल एटम का पहला नियम यह है, जो लीस्ट नंबर में हो, जो एटम सबसे कम हो, अकेला हो, दुकेला हो, जो सबसे कम नंबर में एटम हो उसको ले लो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो, या जिसका साइज लार्जेस्ट हो, जो सबसे बड़ा एटम हो, या जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। बीच में कौन सा एटम रखना है, जो सबसे कम नंबर में है। अब दो एटम है कम नंबर में, कंपेयर करना पड़ रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर जिसकी साइज बड़ी है, फिर जिसका एटॉमिक नंबर। यहां तक में काम हो जाएगा वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकते, कभी भी। ऑक्सीजन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन मिलेगा बहुत, सल्फर मिलेगा बहुत, नाइट्रोजन मिलेगा बहुत, फॉस्फोरस मिलेगा बहुत, कार्बन मिलेगा बहुत, ये सब हो सकते हैं सेंट्रल एटम। सिलिकन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते सेंट्रल एटम। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। तो ये तो मैंने पहले ही बोला था, सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो, और अगर हाइड्रोजन होगा तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, सेंट्रल एटम कैन हैव एट और मोर इलेक्ट्रॉन। कोशिश करना आठ पे, पर इट कैन हैव एट और मोर, ज्यादा भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे सर, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ध्यान देना, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों नोट करें, ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, tries to remain in maximum covalency, जो सेंट्रल एटम है वो अपनी सबसे मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है। कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए, बॉन्ड बनाए या लोन पेयर में। क्या बोला? बॉन्ड बनाए या लोन पेयर में। तो सेंट्रल एटम की मैक्सिमम कोवेलेंसी होना चाहिए। देखो ये वीडियो बड़ा इसलिए क्योंकि मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, कोटा में पढ़ लो, नीचे कमेंट करो कि क्या कमी रह गई। वीडियो मेरा क्यों 40 मिनट 50 मिनट का है, बाकी लोग का क्यों 10 मिनट का है? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि दो क्वेश्चन करा दिए उसमें चल गया, सब में लगेगा। ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम मतलब वो जितने ज्यादा हो सके उतने बॉन्ड बनाएगा, पर मैक्सिमम कोवेलेंसी की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। पहले इतना नोट करें फिर आगे बताएं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे पता चलेगी। देखो, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपसे, सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 2, दो से ज्यादा वैलेंसी कभी ऑक्सीजन तुमने नहीं देखा होगा, 3 वैलेंसी वाला कभी नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर की मैक्सिमम होती है 6, सल्फर 6 वैलेंसी तक दिखा सकता है, यानी 6 बॉन्ड बना सकता है, या 4 बॉन्ड एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड एक लोन पेयर, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो? 4 बॉन्ड एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो बच्चों नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 हो सकता हो, 5, पर ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी 5, बट ये बॉन्ड सिर्फ 4 बनाएगा, बॉन्ड सिर्फ 4। सब बातें नोट करनी पड़ेगी आपको, ऐसे काम चलेगा नहीं। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, लिख लो मेरी ये बात कॉपी में।
नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर रख सकता है। क्या बोला मैं? तीन बॉन्ड एक लोन पेयर रख सकता है, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर रख सकता है, पांच बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, चार बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने बॉन्ड? चार बॉन्ड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैन फॉर्म फाइव बॉन्ड्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी पांच। कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी चार, और चार ही दिखाता भी है ऑल द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम चार दिखाएगा। सिलिकन की चार, क्लोरीन की सात, क्लोरीन की सात, सिलिकन की चार, कार्बन की चार, फॉस्फोरस की पांच, नाइट्रोजन चार से ज्यादा नहीं दिखाएगा, सल्फर की छह से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑक्सीजन की दो से ज्यादा नहीं। तो सेंट्रल एटम कोशिश करेगा कि अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में आ जाऊं, कोशिश करेगा। हाँ, उसके लिए वो ऑक्टेट रूल को तोड़ भी सकता है, वही स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअल में लुईस स्ट्रक्चर जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में आ रहा है वो रेजोनेंस को मिला के आ रहा है, रेजोनेंस टॉपिक को मिला के आ रहा है। तो मैं तुम्हें वैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो चार ऑप्शन में एग्जैक्टली करेक्ट होगा। अगर सिर्फ लुईस की थ्योरी जो किताब में लिखी है ना, उससे तुम जेई के चार ऑप्शन कंपेयर करोगे, चारों सही निकलेंगे। क्या बोला मैं? अगर तुम अपनी किताब से जो लुईस थ्योरी पढ़ोगे और उन्होंने जो लुईस के स्ट्रक्चर बनाए तरीके बताए हैं, उससे तुम चार ऑप्शन कंपेयर करोगे, चारों सही निकलेंगे। वो पूछता है कि इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बेस्ट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको पूरी तरीके बता रहा हूँ। तो नोट कर ले बात, ऑक्सीजन दो, सल्फर छः, नाइट्रोजन चार, फॉस्फोरस पाँच, कार्बन चार, सिलिकन चार, क्लोरीन सात। इसके बाद आपको और कोई मिलने वाला नहीं, क्लियर है? फिर से, ऑक्सीजन दो, सल्फर छः, नाइट्रोजन चार, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। अच्छा, ये इनसे कम भी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपनी मैक्सिमम शो करें, उससे कम कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम में जाने की। अभी नोट करो, शुरुआत में मेरा लेक्चर धीमे ही चलता है। फॉस्फोरस पाँच, कार्बन चार, सिलिकन चार। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1.2 दोनों दिखा सकता है। सल्फर की बात करें तो 2, 4, 6 दिखाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा 3 दिखाता है या 4 दिखाता है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस 3 और 5 दिखाता है। कार्बन जनरली 4 ही दिखाएगा, सिलिकन जनरली 4 ही दिखाएगा। क्लोरीन की बात करें तो 1, 3, 5, 7 सारी बैलेंसीज दिखाता है। नोट करें बातों को, क्या दिखाई पड़ रहा है? एक्स दिखाई पड़ रहा है ना, पक्का ना? ऑक्सीजन 1 और 2, सल्फर 2, 4, 6, नाइट्रोजन 3 और 4, 4 से ज़्यादा नहीं, फॉस्फोरस 3 और 5, कार्बन 4, सिलिकन 4, क्लोरीन 1, 3, 5, 7। ये कोवेलेंसी है, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है, वेरिएबल कोवेलेंसी है ना, देख रहे हो। सल्फर के पास वेरिएबल है, 2 बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 बना सकता है, अलग अलग कोवेलेंसी, अलग अलग बॉन्डिंग कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैक्सिमम में जाना चाहेगा, नहीं होंगे मजबूरी होगी, इलेक्ट्रॉन ही कम है तो 2 में रह जाएगा, 4 में रह जाएगा। चलो, इतनी बातें लिख ली आपने, बहुत बढ़िया, ये बेसिक नियम थे। ठीक है, और नियम बताऊं? हर रूल का भाई, हर रूल का भाई यूज होगा। नेक्स्ट देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, एग्जांपल दे दूं, जैसे तुमसे बोला जाएगा H3O प्लस का स्ट्रक्चर, तुमसे बोला जाएगा NH4 प्लस का स्ट्रक्चर, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, पक्का। प्रूफ भी कर दूंगा अभी, बट पहले से बता दे रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस पे प्रेजेंट होगा हमेशा? सेंट्रल एटम पे, अगर पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल। एंड इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, नेगेटिव चार्ज जैसे कहीं पे भी उठा लो, NO3-1 है ना, SO4-2, देख रहे हो, CO3-2, सब पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम, क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज किसी भी आयन पे, किसी भी आयन पे ही होगा, चार्ज है तो, है ना, किसी भी आयन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉर्नर एटम पे होगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से एकदम समझ में आ गया, पक्का? चलिए भाई, चलिए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ लास्ट के, मतलब कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे काम होने वाला है। किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हो, सोच रहे हो NO3-1 लिखा है तुरंत स्ट्रक्चर बना दोगे, तो अब मैं तुमको रूल्स दिखाने वाला हूँ या तुमको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। इतना क्लियर हो गई इतनी बातें? मैंने क्या क्या बातें की? कि सेंट्रल एटम चुनना है जो लीस्ट इन नंबर हो, है ना, जो सबसे कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कम हो। फिर मैंने बताया हाइड्रोजन फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। फिर मैंने बताया सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकन।
फिर मैंने बताया कि कॉर्नर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने बोला सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा होने चाहिए, कम में तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने बताया सेंट्रल एटम की अलग अलग वैलेंसी हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन की 1 और 2 है, सल्फर की 2, 4, 6 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 और 4 है, नाइट्रोजन 5 वैलेंसी नहीं शो करता, फॉस्फोरस की 5 है, सिलिकन की 4 है, क्लोरीन की 1, 3, 5, 7 है। कोशिश करते हैं ये अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की, उससे कम में भी सेटल हो सकते हैं। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, क्यू, वेयर क्यू इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्यू का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस एनी नेगेटिव चार्ज अगर है कंपाउंड पे, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज अगर है कंपाउंड पे। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं, 2 into number of bonds। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन में से जितने बॉन्डिंग में यूज हो गए वो खत्म, फिर बचे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो काम करेंगे तुम्हारे, या तो सच में लोन पेयर बनेंगे या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे। नोट करें इतनी बात, फिर से स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, टाइम लग रहा है क्योंकि आपको चीज़ अच्छी सिखा रहा हूँ। अभी नोट करते चलो, इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा इस टॉपिक में आगे, इतना मज़ा आएगा ना, मतलब नहीं, मतलब उतना मज़ा तो नहीं आएगा जितना तुम लोग PUBG खेलते हो, सब गेम आजकल तुम लोग स्टार्ट कर दिए, और क्लैश ऑफ कैंस उतना तो नहीं दिला सकते मज़ा, है ना, दोस्तों के साथ घूमते हो फिर भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पर्याप्त मज़े आ जाएंगे तुमको जितने आ सकते हैं पढ़ाई में मैक्सिमम, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जैसे अच्छे टॉपिक में जितने मजे आ सकते हैं वही है ये। ठीक है, नोट कर लिया, क्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 into number of bonds, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यूज करेंगे लोन पेयर के लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब समय आ गया एग्जाम्पल का, नोट कर लिया है, बिना नोट किए तो काम बनेगा नहीं, नोट कर लिया है। चलो देखो, अब एग्जाम्पल्स कराता जाऊंगा यार, तुम अभी पक्के हो जाओगे एकदम। चलो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, बेसिक से शुरू करें। सबसे पहले ले लेते हैं, बोलो जल्दी से बोलो किसका ले लें, सबसे पहले ले लेते हैं चलो कचरे H2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आता है सबको, फिर भी चलो मतलब मेथड लगाना सीखते हैं। सबसे पहले क्यू क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, दूसरे पे भी 1, तो कितने हो गए, 2। चलो अब दोनों हाइड्रोजन को बना लो। सेंट्रल एटम कौन है, किसी भी हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मान लो। ठीक है, अब इनके बीच में बनाओ सिंगल बॉन्ड। क्या बनाओ, सिंगल बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 into number of bond, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 minus 2 कितने, 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर देखो कंप्लीट हो गया, बन गया हाइड्रोजन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं O2 का, q निकालो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 6 होते हैं ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है अपना, 8, तो 2, 6 वैलेंस शेल में 6। दो ऑक्सीजन है, 6 into 2 कितना हुआ, 12। दोनों ऑक्सीजन को बना लो, किसी को भी सिंगल एटम मान लो, अभी तो खैर सब कहानी है नहीं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, पहले क्या बनाओ, सिंगल बॉन्ड। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, 2। अब क्या निकालोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 12 minus 2 कितने बचे, 10। अब सुनो क्या करना है, अब लोन पेयर बच गए, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टार्ट करो कॉर्नर एटम्स की, इसकी ऑक्टेट, इसकी ऑक्टेट। चलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी, 2, कितने और चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तुमने 6 इसको दे दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले क्यू निकालो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
निकाल लिया क्यूब, कैसे निकाला, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 6, 12, फिर एक सिंगल बॉन्ड बना लो, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 12 - 2 = 10। अब इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से सबकी ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो मैंने ऑक्सीजन की इधर की ऑक्टेट कंप्लीट करनी चाहिए, 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर आया, कितना बचा, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद स्टेप होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने का। मैंने बताया था ना जो लोन पेयर बचे हैं वो दो चीज़ में यूज होंगे, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में और दूसरे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कि नहीं ये देखो, इस ऑक्सीजन को देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेते हैं इनसे। अब इसकी ऑक्टेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, काम खत्म। सोच रहे हो कि क्या सर क्या बता रहे हो, ये सब तो मतलब हम लोग खड़े खड़े बनाते थे। रुको, प्रैक्टिस करा रहा था आपको मैं, भैया प्रैक्टिस करा रहे थे आपको, आ जाओ, चल भाई आ जा बनाते हैं। NO3-1 बनाएगा, चल भाई आ जा NO3। अच्छा पहले इसका बनाओ H3O+ हाइड्रोनियम आयन का, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यू निकालेंगे, लेवल वाइज लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6, हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1, 3 है तो 6 + 3 × 1, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऐड, 6 × 3 = 9 - 1 कितना हुआ, 8। अब सेंट्रल एटम देखो इसमें कौन सा है, डेफिनेटली ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है क्योंकि लीस्ट इन नंबर है, सबसे पहली कंडीशन। अगल बगल हाइड्रोजन बना लो 1, 2, 3, सबसे एक एक सिंगल बॉन्ड बना लो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब निकालो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 कितने हुए, 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो चीज़ के काम आएंगे, पहले तो लोन पेयर ही और उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर जरूरत पड़ी तो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करो कॉर्नर एटम से, कॉर्नर एटम चेक करो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है खुश है, डुप्लेट चाहता था कंप्लीट, इसके पास 2 डुप्लेट चाहता था कंप्लीट, इसके पास 2 डुप्लेट चाहता था कंप्लीट। ऑक्सीजन की बारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2, कितने बचे हैं, 2, काम करो, बन गया स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ऑक्सीजन, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जितने इलेक्ट्रॉन थे पूरे यूज हो गए। प्लस चार्ज कहाँ पे होता है, सेंट्रल एटम पे, तो ऑक्सीजन पे लगा दिया प्लस चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता कहाँ लगाते, कॉर्नर एटम पे, खत्म। पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगाते हैं, सेंट्रल पे, नेगेटिव कहाँ लगाते हैं, कॉर्नर पे। सर ये तो रटा दिया, आओ सीखो फिर, एक नई चीज़ सीखो, सिखाया जाए आपको एक नई चीज़। चलिए आइए साइड में, चार्ज क्या, इतनी लॉजिक क्लियर हो गई आपको, क्लियर हो गई। चलो एक स्ट्रक्चर और बना लो, फिर आपको चार्ज निकालना भी सिखाते हैं, एक स्ट्रक्चर और, चलो एक अपने आप बनाने की कोशिश करो अगला, फिर आपको ये भी सिखाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज है कहाँ नेगेटिव चार्ज, वो भी निकल आता है। सब के लिए फॉर्मूला है भाई, NH4+, अपने आप सब लोग ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, NH4+, 1, 2, 3, 4 भाई वीडियो है पॉज, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बिना वीडियो पॉज किए तू हर बार आगे बढ़ जाता। Q = नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2, 5 वैलेंशियल में हुए 5, हाइड्रोजन में 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 1, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, 5 - 9 - 8 = 8 पॉजिटिव को माइनस करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, सबको दिख रहा है लीस्ट इन नंबर। अगल बगल बना लो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर बनाओ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब निकालोगे आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब निकालोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 - 8 कितने हुए, 0, कोई लोन पेयर नहीं है, जरूरत भी तो नहीं है, जरा चेक करो। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, सही तो है, सब खुश है।
पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज. दिस इज अमोनियम आयन स्ट्रक्चर. इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं शो करते. लुइस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात ही नहीं की है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बेसिस पे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं. नाइट्रोजन की यहां कोवेलेंसी कितनी है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी. एक, दो, तीन, चार, ठीक है. नाइट्रोजन चार वैलेंसी दिखा सकता है और दिखाना चाहता है, कोशिश करता है वो कि चार किसी तरह से हो जाए, पांच की कोशिश नहीं करता. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. अच्छा, अब ये चार्ज निकालने का तरीका सीखो. चार्ज कैसे निकलता है ये भी सीखो. अगले स्ट्रक्चर में सिखाता हूँ. अगला स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग एक लेवल ऊपर बनते हैं और बढ़ के स्ट्रक्चर बनाते हैं. किसका बनाओगे? आ जाओ, नाइट्रेट का बनाया जाए. NO3-1 और इसका स्ट्रक्चर बनाए. क्यों निकालो? नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन. भाई नाइट्रोजन होता है 2.5, ऑक्सीजन होगा 2.6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8. इतनी बात समझ में आ रही है? 2.6, तो 5 और 6 और कितने है? 3 एटम है, तो 3 × 6. नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, तो 18 और 6 कितना हुआ? 24. सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लीस्ट इन नंबर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q- बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 24-6, ओह माय गॉड, 18 इलेक्ट्रॉन. अब इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से दो काम होंगे, या तो लोन पेयर की या तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का काम होगा. अब काम क्या है? ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस लिए होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. पहले कॉर्नर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करो. चलो, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2. कितने और चाहिए? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके पास 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके पास 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए मैंने? 6, 6, 6, 18. यूज हो गया पूरे? बहुत बढ़िया. ऑक्सीजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट, बहुत बढ़िया. अब नाइट्रोजन को देखो. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओए होए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ज्यादा जा सकते हो उससे, कम पे तो काम चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं. नाइट्रोजन केस में ज्यादा भी नहीं होता, ये भी लिख लो. देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बहुत ज्यादा लर्निंग है. हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ फॉर्मूले डालें, कुछ चीज़ें, बट है तो वो लिखी हुई चीज़ें. जैसे मैं बता दिया, नाइट्रोजन ऑक्टेट कभी एक्सीड भी नहीं करेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो मैंने बताया था, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पहले यूज करो लोन पेयर के लिए. फिर यदि सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही तो यूज करो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए. ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटाकर यहां पे लगा लो, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में बनाओ, जब देखो कि सेंट्रल एटम का पेट नहीं भरा है. हो गया, खत्म, क्लियर, बन गया. नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4. कितनी है? 1, 2, 3, 4. 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब बात आई भाई साहब चार्ज की, कि माइनस वन चार्ज किसको दें? तो सर ने कहा था, नेगेटिव चार्ज दो कॉर्नर के एटम को और पॉजिटिव चार्ज दो सेंट्रल एटम को. तो सर इस बार तो कॉर्नर में 3 एटम है, कौन सा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेगा? ये वाला, ये वाला कि ये वाला? अब प्रॉब्लम आई. तो इसके लिए हम लोग सीखना पड़ेगा कि चार्ज किस पे दें, इस पे दें, इस पे दें, किस पे दें. तो बच्चों, इसके लिए एक हेडिंग डालेंगे आप. थोड़ी देर हो गई, मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ में आ गया होगा. तो नया टॉपिक सीखो, फॉर्मल चार्ज. ठीक है, फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मली हमको लगता है कहाँ पे चार्ज है, हम सोच रहे हैं. एक्चुअल में जो ये चार्ज होता है बच्चों, अगर मैं आपको सही बताऊं तो रेजोनेंस होता है. आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ. रेजोनेंस चार्ज एक घूमता रहता है, कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है, कभी इस पे जाता है. तीनों पे चार्ज घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भागता रहता है तीनों पे. खैर, अभी फॉर्मली इस स्ट्रक्चर में वो चार्ज कहां पे है, ये पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर को हमने देखा वो चार्ज कहां पे है. तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला, किसी भी एटम के लिए लगा सकते हो उसको, इंडिविजुअल एटम के लिए यूज करोगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबका निकाल सकते हो. फॉर्मूला क्या है एफसी का, फॉर्मल चार्ज का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2. फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख लिया, लिख लें इसको. वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 किस पे लगाओगे, इंडिविजुअल एटम पे, एक एक एटम पे पता चल जाएगा नेगेटिव चार्ज किस पे, अभी एकदम क्लियर आ जाएगा सामने कैसे मैनेज होगा, इस पे है, इस पे है कि इस पे है पता नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम पे माइनस बॉन्ड पेयर के जितने इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसको बोल दिया एटम 1, इसको बोल दिया एटम 2, इसको बोल दिया एटम 3 और इसको बोल दिया एटम 4 और सब पे हम निकालेंगे क्या फॉर्मल चार्ज। 2 और 3 तो सिमिलर है एकदम, तो जो भी आएगा उनके लिए सेम आएगा। चलो शुरू करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। अब चार्ज निकालना भी सिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ पे चार्ज लगाते हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है कुछ सीख रहे हो। चलो एटम नंबर 1 पे आओ, एटम नंबर 1 इज दिस ऑक्सीजन। चलो भाई फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं 1, 2, 3, 4, है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने 1, 2, 3, 4, इसके बॉन्ड कितने 1, 2 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। एटम नंबर 2 पे आते हैं, ये भी ऑक्सीजन है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 6 0 और ये हो गया माइनस 1, यानी इस पे चार्ज है माइनस 1, ये जो माइनस 1 था कॉर्नर एटम पे वो इस पे है। पर एक मिनट, जो कैलकुलेशन इसकी है वही इसकी होगी, अरे यार मतलब तीसरे ऑक्सीजन एटम पे आओ फॉर्मल चार्ज तीसरे ऑक्सीजन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 6 0 माइनस 1, ओए होए इसके ऊपर भी चार्ज माइनस 1, अब क्या भाई कंपाउंड पे तो एक ही माइनस 1 है, यहाँ पे तो दोनों पे माइनस 1 माइनस 1। अब करते हैं फोर्थ एटम पे चार्ज निकालते हैं, तब कहानी क्लियर होगी। एटम नंबर 4th विच इज नाइट्रोजन, इस पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस लोन पेयर, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी ये हो गया 5 माइनस 4 दैट इज प्लस 1, तो नाइट्रोजन के ऊपर भी चार्ज है प्लस 1। अब इस स्ट्रक्चर पे टोटल चार्ज बताओ कितना हुआ, टोटल ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 जो कि रियल फॉर्मूले में मिल रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। कितना परसेंट क्लियर हुआ आपको, कंफ्यूजन हुई, फर्स्ट टाइम मेरे को भी हुई थी, मजा आ रहा है, लग रहा है ना कुछ सीख रहे हो नई चीज। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लिए माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जो लोन पेयर है माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बने रहो मेरे साथ, अभी तो शुरू हुआ है ना, बने रहो, करते जाओगे एग्जाम्पल आता ही जाएगा, नोट करो इसको, टोटल चार्ज मिला लिया करो इसको और इसको, सही है कि नहीं, इस पे माइनस 1 है, इस पे टोटल कितना आएगा माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल, इस पे माइनस काम बन गया। यार बोलने को दिल में बहुत कुछ है, मैं कंट्रोल करता रहता हूं। नाइट्रोजन की जब भी 4 वैलेंसी होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन की जब भी 4 वैलेंसी होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो वो खुश है, 1 होती है तो माइनस 1, 3 कभी कदार हो जाती है तब प्लस 1, ठीक है। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती थी 3, 4 होती है तो प्लस ले लेता है, ऑक्सीजन की नॉर्मल होती है 2, 1 होती है तो माइनस, 3 होती है तो प्लस। चल छोड़, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आया ना, चलो कैलकुलेशन से देखो, और हम लोग जो टीचर हैं यार याद हो जाता है ना करते करते, है ना, रटती जाती हैं बातें, आप तो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन पे बिलीव करो, फॉर्मुलेस पे बिलीव करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके अकॉर्डिंग चलो, धीमे धीमे प्रैक्टिस बनेगी। चलो अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेने वाले हैं NO2-1 का। चलो आप लोग अपने आप करना चाहोगे क्या पॉज करके, एक मैं करा देता हूँ अगला खुद से। चलो Q इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं,
एटॉमिक नंबर 7, 2.5, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2.6, वैलेंस में 6, दो ऑक्सीजन के एटम है, 2 × 6, नेगेटिव चार्ज ऐड होता है, प्लस 1, 5, 1, 6, 2, 6 = 12 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन टोटल है। सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन, लीस्ट इन नंबर, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 - 4, टोटल में से बॉन्ड पेयर हटा दो, कितने बचे, 14। अब ये दो चीज़ में यूज़ होते हैं, लोन पेयर में और उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इन इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, पहले किसकी, कॉर्नर एटम की, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लगा दिए, 6, 2, 8, 6, 2, 8 कितने थे, 14, कितने खर्च हुए, 6, 6, 12 खर्च हुए, दो बचे हैं, तो दो नाइट्रोजन पे लगा दिए मैंने, है ना, पहले लोन पेयर में यूज़ करो इसको, कितने थे, 14, तो 6 इधर लगाए, 6 × 8 इसका कंप्लीट ऑक्टेट खुश हो गया, फिर 6 इधर लगाए, 6 × 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट खुश हो गया, कितने बचे, 2 नाइट्रोजन को दे दिए। अब नाइट्रोजन को चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओ भाई साहब, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। अब अगर लोन पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही तो क्या बनाओ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन को जरूरत है डबल बॉन्ड की, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया, बना दिया बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब नाइट्रोजन भी खुश हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऑक्सीजन पहले से खुश था, ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, NO2-1 का। अब चार्ज क्या है, -1, नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, कॉर्नर आइटम पे, किस पे लगाएं, इस पे कि इस पे, थोड़ी देर पहले मैं तुमको बता रहा था कि ऑक्सीजन के जब दो बॉन्ड होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता, 3 पे प्लस होता है, 1 पे माइनस, तो डेफिनेटली इसी पे आएगा -1, नहीं बिलीव हुआ, आओ निकाल लेते हैं, इस एटम का नंबर दे दिया मैंने 1 और इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल लो, फॉर्मल चार्ज ऑन 1, फॉर्मूला बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं लिख रहा हूँ बार बार, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, आ जाओ इस पे ऑक्सीजन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6, माइनस लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 डिवाइड बाई 2, 6 से 6 कट गया, 2/2 कितना आया, माइनस, देखो ऑक्सीजन की जहाँ पे भी सिंगल वैलेंसी दिखे ना -1 लगा दो, 3 वैलेंसी दिखे +1 लगा दो, नाइट्रोजन की 4 दिखे प्लस लगा दो, वरना कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है। अच्छा नहीं मज़ा आया, चलो इसका भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, एटम 2 का फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2 सीखो ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है इसके पास, डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 6 - 4 - 2 कितना आया, 0, मैंने बोला था इस पे चार्ज 0 आने वाला है। इस नाइट्रोजन के ऊपर भी चार्ज निकालना है, निकाल लो, एटम नंबर 3 यहाँ पे आ जाऊँ, एटम नंबर 3 पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन 2, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाइट्रोजन के पास कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, यानी 6 / 2, 5 - 2 - 3 कितना आया, 0, इसके ऊपर चार्ज, मैंने बोला था जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो चार्ज 0 आता है, जब 4 बॉन्ड बनाएगा तब प्लस बनाएगा, तो कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हो, नहीं याद हो रही हैं, यू हैव दिस फॉर्मूला, स्टेप वाइज चलोगे कभी कभी गलत होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट मिटा रहा हूँ, चलो नेक्स्ट आप अपने आप करोगे तभी बिलीव होगा कि आया कि नहीं, परेशान नहीं हो, अभी मेरे पास बहुत स्ट्रक्चर है, मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक तुम्हें आना जाए, चलो नेक्स्ट सब लोग अपने आप करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, SO3-2- सल्फाइट आयन का, अब इसको आप खुद से करोगे, पॉज करके खुद से करने का रे, सुबह के बज रहे हैं शायद 11:30 में भी है ना, कुछ अराउंड यही टाइम चल रहा है। तो भाई साहब क्यों निकालोगे, सबसे पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2, 8, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2.6,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में 6 6, सल्फर पे 6, तीन ऑक्सीजन के एटम उस पे भी 6, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा प्लस 2, तो 18 6 24 और 2 26। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है ना, लीस्ट इन नंबर। अगल बगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर बनाओ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या निकालोगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। फिर निकालोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 26 - 6 कितने हुए? 20। अब ये किस में यूज़ होंगे? लोन पेयर के लिए यूज़ होंगे और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इन लोन पेयर से क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। पहले किसकी? कॉर्नर एटम की। तो इसको देखो, 1 2 है, 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए? 6 6 6, मतलब 18 यूज़ हुए। कितने थे? 20। दो बचे सल्फर को दे दो, दो बचे किसको दे दो? सल्फर को दे दो। 20 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कितने हुए? 18। कितने बचे? 2, 20 में से सल्फर को दे दिया। ऑक्टेट चेक करो, ऑक्सीजन की कंप्लीट है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8, सल्फर की 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं नहीं, तभी तो वीडियो लेंदी है, नहीं सही है। पॉइंट्स याद करो, मैंने आपको क्या बोले थे, एटम कोशिश करता है अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की, सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये वो केस है। सल्फर अभी चाहेगा कि मैं इससे ज़्यादा वैलेंसी शो करूँ, 3 तो वैसे भी सल्फर की कोई कोवेलेंसी ही नहीं है। सल्फर की कोवेलेंसी क्या क्या है? 2 4 6, 3 तो है ही नहीं उसके पास। अब सल्फर क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेंगे और यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, अभी ये जस्टिफाइड लग रहा है। कितनी कोवेलेंसी हो गई? 1 2 3 4, जस्टिफाइड। ऑक्टेट टूट गया इसका, मुझे पता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट सेंट्रल एटम को अलाउड है भाई ऑक्टेट का रूल तोड़ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। अब आपके दिमाग में, मुझे पता है क्या चल रहा है आपके दिमाग में, चल रहा है सर ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लगा दें, सल्फर की तो 6 वैलेंसी कर सकते हैं, और इसको उठा के यहाँ लगा दें। आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको उठा के यहाँ लगा दें और इसको उठा के यहाँ लगा दें, ये इलेक्ट्रॉन हटा के कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, गलत गलत, इसके पास लोन पेयर भी है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है ये, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता ये, अब हो गया इसका, इसका फेड भर गया, 1 2 3 4 5 6। को वैलेंसी कैसे गिननी है ये भी समझो। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो यू कैन एवर फाउंड ऑन इंटरनेट ऑन लुइस डॉट स्ट्रक्चर, आई कैन क्लेम यू दिस। जितने भी वीडियोज़ लोगों ने बनाए तुम देखो, उनमें सब में गलतियाँ, तुम कहोगे अरे ये क्यों किया, मैं हर चीज़ का रीज़न बताता जाऊँगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितना चार्ज चाहिए? 2 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल बॉन्ड -1, सिंगल बॉन्ड -1, डबल बॉन्ड 0 चार्ज, इसके ऊपर 0 चार्ज, निकाल के देख लो, एटम 1 एटम 2 एटम 3, इस पे निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, ये और ये सिमिलर है। एटम 4, 1 और 4 क्या है? सिमिलर, जो 1 पे आएगा वही 4 पे आएगा, और 1 पे निकालते हैं, 1 पे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6, माइनस लोन पेयर भी कितने हैं? 6, बॉन्ड कितने हैं? 2, डिवाइड बाई 2 कितना आया? -1, इस पे -1 -1, 1 पे भी यही होगा, 4th पे भी यही होगा, 1 और 4th क्या है? सिमिलर। 3 पे निकालना है, सल्फर पे आओ, 3 सल्फर पे देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, ऑन सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2, 6 - 2 - 4 कितना आया? 0, बोल के रखा हूँ ना फॉर्मल चार्ज, इस पे भी निकाल लेना, ऑक्सीजन पे आएगा 0 और इस पे -1। यही स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है क्योंकि ये चार्ज की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोवेलेंसी भी सल्फर की 6 हो चुकी है, बात मानो मेरी, 4 नहीं है 6 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 काम हो गया भाई ये है। तो अभी और इलेक्ट्रॉन गिराओगे इसके पास, इसके पास अब जगह नहीं बची है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? केमिस्ट्री कितनी पड़ी है ऑर्बिटल में, इसकी ऑर्बिटल फुल है यार, इसके पास लोन पेयर पड़ा है उस ऑर्बिटल में,
इसकी जो वो डब्बा होता है ना वो भर चुका है, कहाँ से लाओगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे डालोगे, जगह ही नहीं इसके पास। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइट आयन। हाँ, नॉट ए शेप, कई लोग अभी नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि सर ये इसका शेप नहीं है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है आज, शेप अलग कहानी है, वो VSEPR पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर हुआ, लॉजिक समझ में आ रही है मेरी आपको कि मैंने ये क्यों गिराया, ऐसा क्यों किया मैंने, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट था, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सल्फर की तीन कोवेलेंसी नहीं होती, सब चीज़ें ध्यान में रखोगे, चार होती है, चार किया, और चार क्या है, छः हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः कंप्लीट हो गई वैलेंस। ये तुम्हारे फॉर्मल चार्ज इस स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई हो रहे थे, पिछले स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अगर मैं इसको काट दूँ, इसको काट दूँ यहाँ पे, तो यहाँ -1, -1, -1, फिर सल्फर पे भी +1 आ जाता, पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल चार्ज रखने वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। सारी बातें हैं, ये रेजोनेंस की बात थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप फॉलो करते चलो, धीमे धीमे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, इसीलिए बोलता हूँ बच्चों वो 5 मिनट की वीडियो 8 मिनट की वीडियो मत देखा करो, 6 मिनट में निकाली ITJEE, अबे मजाक चल रहा है, 6 मिनट में ITJEE निकलेगा तुम्हारा, वो गधे बैठे हैं पेपर बनाने, 6 मिनट में कोई इतनी तुमको डिटेल में चीज़ें बता देगा अंदर तक की, हद मचा रखी है भैया इस टाइम यूट्यूब पे लोगों ने, मजाक कर रखा है। मैं नहीं कह रहा कि मैं पूरा JEE का सिलेबस पढ़ा दूंगा, ना भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं हेल्प करने आया हूँ, पर जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब चीज़ें बताता हूँ तो डेप्थ में बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, कंसेप्ट से इनिशियल से लास्ट तक। आ जाओ SO42-, देखते हैं कौन सा ही बनाता है, क्यों निकाला जाए इसका। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2.6। आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर पे 6, ऑक्सीजन पे 4 एटम है और सब पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर लो, 24, 6, 30, 2, 32, 4, 6, 24 और 6, 30, 32। सेंट्रल एटम सल्फर होगा, किसी को डाउट तो नहीं है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, क्या बनाओगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, 32 - 8, अरे बाप रे बाप कितने, 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का दो काम होगा, या तो लोन पेयर में जाएंगे और तब भी काम नहीं बना तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। पहले किसकी ऑक्टेट भरनी है, कॉर्नर वाले एटम की, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, बढ़िया, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 8, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए तुमने, 24 थे यूज़ हो गए, 6, 6, 6, 6, 24 हो गए कंप्लीट कि नहीं, 24 थे, 6, 6, 6, 6, सल्फर के लिए नहीं बचा, कोई बात नहीं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। क्या ये सही स्ट्रक्चर है, बोलो बच्चों, नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सल्फर की कोवेलेंसी दिख रही है इस बार चार, कोई लोन पेयर तो है नहीं, कितनी दिख रही, चार, और सल्फर चाहता कितनी कोवेलेंसी है, 6, कितनी चाहता है, 6। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठाओ यहां बांध दो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठाओ यहां बांध दो, अब सल्फर की कोवेलेंसी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्टेट रूल को तोड़ रहा है, इसको परमिशन है, सेंट्रल एटम को परमिशन दी गई ऑक्टेट रूल को तोड़ने की। सल्फर की कोवेलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्टेट को तोड़ चुका है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलाउड है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना, पर ये अपनी कोवेलेंसी कितनी चाहता है, 6 की। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सही है कंपेयर टू प्रीवियस स्ट्रक्चर जो बना था ऑक्टेट रूल से, वो भी जस्टिफाइड, यही तो बोल रहा हूँ, एग्जाम में जो चार ऑप्शन आएंगे उसमें वो वाला स्ट्रक्चर भी होगा, और ऑक्टेट रूल से देखोगे वो भी सही है। फॉर्मल चार्ज की बात करोगे, समझ गए होगे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, -1, -1, इस पे आएगा 0, इस पे आएगा 0, सल्फर पे भी आएगा 0, कितना चार्ज है 2- हो गया। इनका तो कई बार निकाल के देख चुके हो, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे -1 आता है, डबल बॉन्ड पे 0, सल्फर पे आओ निकाल लेते हैं, सल्फर पे आओ निकाल के देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर यहाँ है नहीं 0, बॉन्ड पेयर गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 0। ये सल्फेट आयन का सही स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड से, और ये माइनस माइनस, इन पे चाहो तो चार्ज निकाल के देख लेना, फॉर्मल चार्ज निकालोगे और निकाल लो, एटम नंबर 1
फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6, लोन पेयर 6, बॉन्ड पेयर 1 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेने हैं कितने हुआ -1, इस पे -1 तो इस पे भी सही -1, सेम स्ट्रक्चर, इन पे 0 0। अब आ गया होगा आपको, अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आ गया होगा, नहीं मत करो सर हम पे भरोसा, नन्हे मुन्ने बालक हैं हम सर। चल भाई अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस का, ठीक है SO3 गैस का, पॉज करके वीडियो खुद से बनाएंगे 1 2 3 4, और मैं बोल चुका इसमें 13 घटा मेरा कुछ नहीं जाता, तू वीडियो को बिना पॉज किए हर बार आगे बढ़ जाता। चल भाई क्यों निकालें, पॉज करके कर लो अपने आप। सल्फर पे वैलेंस शेल 6, ऑक्सीजन भी 6, 6 प्लस 3 ऑक्सीजन है 3 × 6, चार्ज न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है 0, 18 और 6 24, सेंट्रल एटम सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 − 6 = 18, किस में यूज़ होंगे लोन पेयर में, किस में यूज़ होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को पहले किस में यूज़ करोगे, कॉर्नर एटम के ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, और इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गए, 18 ही तो थे, 6 6 6 18 खत्म। सल्फर 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुई भैया, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब ये कहेगा कि भैया लाओ क्या बना दो मेरे लिए एक डबल बॉन्ड। अब इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि सल्फर चाहेगा अपनी वैलेंसी को 6 करना, अभी कितनी है 1 2 3 4, कोई लोन पेयर तो है नहीं जो गिनोगे, 1 2 3 4 कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इससे भी कहेगा लाओ इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पे दे दो, इसको तो कोई दिक्कत हुई नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिए कोई दिक्कत नहीं, कितनी हुई 1 2 3 4 5 हुई, तो इससे भी कहेगा लाओ तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर दो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फर खुश हो गया 1 2 3 4 5 6, सल्फर ने ऑक्टेट रूल तोड़ दिया, सल्फर हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, पर इन्हें भैया हक मिला है, इन्हें परमिशन मिली है ऐसा करने की, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे कोई दिक्कत नहीं, खुश है ये, बढ़िया चिल, ही इज चिल, इट इज़ चिल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। 6 कोवेलेंसी, यही स्ट्रक्चर तुमको अगर तुम ढूंढोगे इंटरनेट पे सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है SO3 गैस का, ये स्ट्रक्चर सारे सही होते हैं, इसके पहले जो बना था गलत नहीं था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये था, मतलब उसके पहले जो बना था उसमें सब पे फॉर्मल चार्ज वगैरह आएगा सब बैलेंस हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं सर, जैसे स्ट्रक्चर ये भी गलत नहीं है अगर मैं बताऊं तो, ध्यान से देखो बना के दे रहा हूं आपको ये स्ट्रक्चर SO3 का, और ये स्ट्रक्चर भी सही है, दोनों सही है, पिछली बार यही बनने वाला था, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही है, देखो 1 2 3 4 5 6 ये, सल्फर की कोवेलेंसी 4, 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं, सही है, इसमें टोटल चार्ज +2 − 2 0, सही है, टोटल चार्ज यहाँ पे भी 0, +2 − 2 0, बट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ये है, रीज़न ये होता है कि चार्ज स्ट्रक्चर से ज़्यादा न्यूट्रल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, चार्ज स्ट्रक्चर से ज़्यादा न्यूट्रल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है, कोवेलेंसी 4 है कोवेलेंसी 6 है बेटर है, जहाँ ज़्यादा कोवेलेंसी है जहाँ ज़्यादा बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस में ये चीज पढ़ोगे तुम, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इसमें ज्यादा बॉन्ड है 6 बॉन्ड आ रहे हैं इसमें सिर्फ 4 बॉन्ड आ रहे हैं ये कम स्टेबल होगा, सही तो ये भी था, देखो बना दिया मैंने, चेक कर लो पूरी तरह से सही है ये मतलब यहां पे था मैं, देखो ये यहां पे रुक गया मैं पिछले स्टेप पे, सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है -1 आएगा, सिंगल बॉन्ड है -1 है, सल्फर पे कैलकुलेट करोगे +2 आएगा, इस पे 0, टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है 2 − 2 0, सही था, बट 4 बॉन्ड ज़्यादा अच्छे नहीं है कंपेयर टू 6 बॉन्ड, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डाल दो, अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज 0 0 0 क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है, चाहो तो निकाल लो फॉर्मल चार्ज, किसी का भी निकालोगे 0 आएगा, अपने आप कर लेना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेना सब पे कितना आएगा 0, क्लियर है, अब तो आ गया होगा। चलो अब अगला वाला खुद से जो नहीं किया वो बहुत बड़ा गधा, बहुत ही बड़ा,
चलो अगला स्ट्रक्चर है CO3 2- कार्बोनेट आयन। चलो 1 2 3 4 5 शुरू करूँ मैं, पॉज कर लिया। चलो कार्बन 6 2.4, ऑक्सीजन 8 2.6। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई लोग 6 करते हैं, ऐसी गलती ना करें प्लीज, डोंट डू दिस। और ऑक्सीजन पे 6, तो क्यों कार्बन पे 4 ऑक्सीजन के 6, तो 3 × 6 प्लस नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे 2 18 4 22 और 2 24। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, अगल बगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या बनाओ? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, निकाल लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर निकाल लो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24 - 6 दैट इज 18। इनको कहाँ यूज़ करोगे? पहले कॉर्नर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 18 ख़त्म। इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई 6 2 8, इसकी भी 6 2 8, इसकी भी 6 2 8। कार्बन की बात करें, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6, ओए होए इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, तो ये क्या कहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दो, अब मैं खुश हूँ, कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा भी कर सकता था पर कर नहीं पाएगा। कई लोग कह रहे हैं सर इसको उठा के भी यहाँ बना दें, अरे गधे कार्बन है ना, कार्बन की कोवैलेंसी तुमको बताई है मैंने 4, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, 4 हो गई ना, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा बना भी नहीं सकता। अब फॉर्मल चार्ज की बात करो तो देख रहे हो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे 0 आता है, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे -1, इस पे भी -1, और कार्बन पे निकाल लोगे 0 आएगा। -2 चार्ज होना चाहिए, -2 दिख रहा है, हो गया। नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे होता है, दिख रहा है। कार्बन पे निकालना हो निकाल लो, कार्बन पे और निकाल के दिखा देता हूँ फॉर्मल चार्ज, ये तो समझ में आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे -1 हर बार आया है हम लोगों ने देखा। कार्बन पे निकाल लो क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, मैं तो भूल ही गया क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर कुछ है नहीं 0, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ रहा, 0। ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लुइस से बना के दिखाया, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे है, फॉर्मल चार्ज बने हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, आ गया मिटार दूँ। रियलिटी में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आता है, डबल बॉन्ड यहाँ भाग आता है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ भागता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, ये भी एक फिनोमेना होता रहता है अंदर कंपाउंड के। अब मेरे ख्याल से आपको किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो एक लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे कहूँगा टट्टा बाय बाय, शायद 15 स्ट्रक्चर नहीं हो पाए होंगे, फिर भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो गया है, मुझे खुद फील आ रहा है। फॉस्फेट के लिए 1 2 3 4 5 6 पॉज प्ले, मैं स्टार्ट कर रहा। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2 8 5, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2.6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 5 ऑक्सीजन के 6 4 × 6 प्लस 3 24 5 29 3 32। सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस लीस्ट इन नंबर, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 32 - 8 दैट इज 24। ये यूज होंगे किस में, लोन पेयर में, और किस में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहले किसकी ऑक्टेट कंप्लीट करो, कॉर्नर की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 8 हो गए ना, 6 2 8 6 2 8 6 2 8, मेरे ख्याल से 24 इलेक्ट्रॉन खर्चे हो गए, 6 6 6 6 24 ख़त्म। फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉस्फोरस की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, सब खुश हैं, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, सोचो। फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी बताई थी आपको मैंने, 3 और 5 3 और 5, 4 तो होती ही नहीं, ये तो 4 में, 3 और 5, कोशिश करेगा मैक्सिमम में जाने की, 3 और 5 याद आ रही है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी, 5, और उससे पहले 3,
ये तो चार है, तो ये ऑक्सीजन से कहेगा इधर ला रे खचक, अब सही। इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है चार जाएगा जीरो, इस पे सिंगल बॉन्ड है चार जाएगा माइनस वन, सिंगल बॉन्ड चार जाएगा माइनस वन, सिंगल बॉन्ड चार जाएगा माइनस वन। तीन ऑक्सीजन पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फॉस्फेट पे चार्ज माइनस थ्री हो गया। फॉस्फोरस पे चार्ज कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा जीरो, निकाल दूँ फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू। फॉस्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच, लोन पेयर है नहीं जीरो, बॉन्ड पेयर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस डिवाइड बाई टू पाँच माइनस पाँच जीरो। फॉस्फोरस आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखा है इस समय, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पर उसको अलाउड है क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको बातें मेरी समझ में आई होगी, तो 10 मिनट में इतना कोई बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है। मैंने भी YouTube पे वीडियोस देखे हैं, 6 मिनट में लुइस डॉट स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 15 मिनट में लुइस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताओगे, 15 मिनट में कितनी बातें बताओगे, तिकड़म बता दोगे, दो क्वेश्चन करा दोगे, कार्बोनेट आयन सल्फेट आयन, ये आओ यहाँ तक आओ, इस लेवल पे आओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो यहाँ से, कुछ भी सब बन जाएगा। तो लॉजिक्स भी ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी वाली बात, सेंट्रल एटम कौन सा लेना है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आता है, नेगेटिव चार्ज साइड में जाता है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज फॉस्फोरस पे निकाला हमने जीरो आया, इस पे जीरो आएगा, इस पे कैलकुलेट करोगे माइनस वन आएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपको मज़ा आया होगा।